बैंक से निकलने वाले शहरी का ताकुब। मोटरसाइकिल सवार तीन डकैतों ने शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गुलशन मेहमान में वारदात की फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई। कराची से इंतहाई मतलब डकैत गिरफ्तार। औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गिरफ्तार मुजरिम बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों से वारदातों में मुलव्वस था। मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। लाइंजेरिया कबाड़ी मार्केट में गैर कानूनी दुकानों की तामीरात का केस। केडीए ने जाली इजाजत नामा दिया। दरख्वास्त गुजार का मौकफ सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी, 25 सितम्बर तक जवाब तलब। ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का सिंध के लिए तोहफा था। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मंसूबे में ताखिर पर नुकता चीनी। कहते हैं 3 साल हो गए, बसें नहीं आ सकी। एक के बाद एक टेंडर्स मंसूख हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले कोई एक मंसूबा दिखा दे जो उन्होंने शुरू किया हो। उमर शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए फंड जारी करने की दरख्वास्त। महकमा सिंध ने वफाकी वजारत खजाना को खत लिख दिया। 1,69,800 अमरीकी डॉलर फराहम करने की अपील। सूबाई हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के खर्चात बर्दाश्त करने की ठान ली। शहर कायद में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 23 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का अदब। पोलियो का खात्मे तक जुदोजहद जारी रहेगी। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख का इजहार एतमाद। कोरोना की आफत ना कम पड़ी। मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। 2,167 नए केसेज भी रिपोर्ट। केसेज की शरह 4.2% रिकॉर्ड। कोरोना के साथ डेंगू भी एहतियात बरतने का मशवरा। कहीं पानी जमा होने नहीं दिया जाए, ये डेंगू पनपने का मौसम है। माओ ने खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की ताकीद। कहते हैं कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज में ज्यादा ताखीर न की जाए। दीरबाला में जमीन का तनाजा, 9 अफराद की जान ले गया। चिरगे में फरीकैन के दरमियान तल्ख कलामी पर गोलियां चल गई, 6 अफराद जख्मी हो गए। बेशतर की हालत तश्वीशनाक है। जहानिया में बच्ची को जमींदार के खूनखार कुत्तों ने भंगो डाला। बरवक्त तिबी इमदाद न मिलने पर बच्ची जान की बाजी हार गई। गरीब वालिदैन ने इदारों से मायूस होकर बच्ची को सुपुर्द खाक कर दिया। दो पासपोर्ट वालों को 31 अक्टूबर तक मोहलत। फैसला कर ले कि कौन से पासपोर्ट रखने हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अल्टीमेटम दे दिया। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रहने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं अमनो अमान बहाल रखने के लिए फौज और रेंजर्स तैनात होगी। शुमाली वजीरस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक अलतम TTP कमांडर हलाक। दहशतगर्द सफीउल्ला ℍ𕖺𝕒𝕝𝕝𝕚 इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग में मतलूब था। फरवरी में 4 गैर सरकारी तंजीम के भी कत्ल में मुलव्वस था। न्यूयॉर्क की सड़कों पर शहरियार आफरीदी की चहलकदमी। सड़क पर 100 अमरीकी शहरियों पर तबसरे। पाकिस्तान में पना गाहों के क्याम पर वजीर आजम इमरान खान के विजन की तारीफ। रूस गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। शहर परम की यूनिवर्सिटी में तालिबान का हमला। फायरिंग से 8 अफराद हलाक, 6 जख्मी हुए। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का बयान। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी बनाने का ऐलान। 25 बेस पॉइंट का इजाफा। शरा सूद 7.25% हो गई। बरामदात में इजाफे के पेश नजर मजीद महंगाई का भी इंदिया। मरकजी बैंक का ऐलामिया। न्यूजीलैंड का PCB को दिलासा। मनसूख मैचेस दोबारा खेलने का इंडिया। कुछ अरसे में सोच विचार करेंगे, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का बयान।
دورے کے منسوخے سے مالی نقصان پر بھی غور کرنے کا اشارہ. گرمی کے ستائے شہری ہو جائیں خوش. کراچی میں 23 ستمبر سے مزید بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سسٹم 25 ستمبر تک مزید ہلکی بارشوں کا باعث بن سکتا ہے. بانڈ کی تلاش شروع. 2006 سے جاسوس کردار ادا کرنے والے ڈینیل کریگ ریٹائرڈ ہو گئے. نو ٹائم ٹو ڈائی کے لیے ڈینیل کریگ نے 4.5 ارب روپے معاوضہ لیا. اور ہالی ووڈ ایکشن فلم ایوری لاسٹ ون آف دیم کا آخری ٹریلر جاری. فلم آئندہ ماہ سینما گھروں کی زینت بنے گی.